यहाँ सरकार भी है और डॉक्टर भी, लेकिन डॉक्टर भगवान बनने की बजाय ठग बनकर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सैयद इस्तार और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहाँ पर दवाओं की भरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के डॉक्टर मरीजों के लिए अपने अवैध मेडिकल की दवा लिखते हैं। कौन है ये डॉक्टर, देखते हैं ये रिपोर्ट। गड़ाकोटा स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की जांच कर रहे इन डॉक्टर का नाम है सूर्या सिंगई, जो मूल रूप से राहतगढ़ में पदस्थ हैं, लेकिन गड़ाकोटा निवासी होने के कारण इन पर कृपा बरसी और गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही मरीजों को देखने का सौभाग्य मिल गया। डॉक्टर की लंबे समय से मरीज शिकायत कर रहे थे कि डॉक्टर सिंगई जबरदस्ती मरीज को डराकर अपने पिता सुरेश चंद्र सिंगई द्वारा अवैध रूप से संचालित मेडिकल की दवा लिखते हैं। डॉक्टर का मरीजों से कहना है कि उनके द्वारा लिखी दवा से बहुत जल्दी फायदा होगा। मरीजों से यह भी कहा जाता है कि अस्पताल में उपलब्ध दवाएं कचरा हैं, लेकिन मैं जो दवा लिख रहा हूं वह ना अस्पताल में मिलेगी ना ही किसी मेडिकल पर, वो दवा मेरे अवैध मेडिकल पर ही मिलेगी। अब डॉक्टर साहब, इन गरीबों के पास इतना पैसा होता तो वह सरकारी अस्पताल थोड़ी आते, प्राइवेट अस्पतालों में जाते। आप तो पैसे के लिए इन्हें गुमराह कर रहे हैं। थोड़ी मानवता हो तो सुनो इन मरीजों की पीड़ा। नहीं, क्या कहाँ की दवा लिखी थी? तो आपने बोला नहीं क्या इस अस्पताल से दो फ्री? तो यहाँ की यहाँ लिख दी और बोली है तो वहाँ मिलेगी सिंगई डॉक्टर के पास। तो आपने पूछा नहीं कि हमें यहाँ से दो? यह है नहीं है तो क्या? यहाँ जब है ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? यहाँ सिंगई डॉक्टर की यहाँ से लाए। अच्छा, तो उनने बोला था कि उस जगह जाओ? हाँ, इनने यहाँ डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बैठे ना डॉक्टर, इनने बोला था कि वहाँ मिलेगी, जो वहाँ से लेके जा रहे हैं। तो कितने की लाए? ये 450 रुपये की है। तो यहाँ नहीं मिलती अस्पताल में फ्री? पता नहीं सर, यहाँ मिलती है ना मिलती है, उनने वहाँ की बोली तो हम वहीं से लेके आए। पैसे थे तुम्हारे पास? सर इतने पैसे थे इतने के ले आए, और बाकी पैसे नहीं थे तो कम ले आए दवाई। हमने इस बारे में जब डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि वह अपने मेडिकल की दवा खुद नहीं लिखते, मरीजों के कहने पर लिखते हैं। चलो यह बात मान लिया, पर डॉक्टर साहब अपने अवैध मेडिकल की दवा ही क्यों लिखते हैं? अस्पताल में नामी कंपनियों की दवा अपनी एक्सपायरी डेट का इंतजार कर रही है। मेडिकल की जो दवा है जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जो बिल्कुल नियम के खिलाफ है, कितना सही मानते हैं इसको? नहीं नहीं, कोई पेशेंट हमसे बोलता है कि यदि बार बार पैसा डालने के बाद कोई ताकत की दवा दे दो, हम उससे पूछ लेते हैं तो खरीद सकता है, तो फिर हम यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो हम लिख देते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिखते। तो अपने मेडिकल की क्यों लिखते हैं? हमारे ऐसा कोई इशू नहीं कि हम अपने मेडिकल की लिखें, हम उसको बोल देते हैं खरीद। फिर भी नियम से क्या आप लिख सकते हैं दवा? क्या लिखना चाहिए दवा? मुझे अभी हमारे CMHO सर ने बताया कि आपको काउंटर से OPD टेबल पर से बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, अब उनके हिसाब से आगे से बिल्कुल। डॉक्टर द्वारा संचालित अवैध मेडिकल से गड़ाकोटा मेडिकल एसोसिएशन नाराज है, और इसकी शिकायत एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश चौरसिया ने ड्रग इंस्पेक्टर से भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, गड़ाकोटा में कोई सिंगई मेडिकल स्टोर, लेकिन वहाँ से दवा वगैरह बिकती है? अनाधिकृत रूप से लिस्ट है। हाँ, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? बात उसकी तो कई बार शिकायत की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कौन लिखता है ये दवा? डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंगई। नहीं, बेचते हैं। बेचते हैं, लिखता कौन? BMS है वो। अच्छा, लिखते हैं डॉक्टर सुरेश सिंगई। तो ये क्या डाक यहाँ बोलते हैं कि हमारी दुकान से ले? तो ये तो मैंने इसकी शिकायत आपने की है। हाँ, तो ये गलत तरीका, अवैध है? अवैध है, अवैध रूप से बेचते ही है। तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत 361 ETL दवाएं मरीजों के लिए फ्री की गई हैं, और डॉक्टरों को ये दवा लिखने के लिए शासन के सख्त निर्देश हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाकर जनता को सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।